बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन अपने लव लाइफ को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में है। सुष्मिता सेन पिछले कुछ टाइम से रोमन शॉल संग ब्रेकअप को लेकर चर्चा में थी। रोमन से ब्रेकअप के बाद सुष्मिता अब बिजनेसमैन और क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर ललित मोदी को डेट कर रही हैं। ललित मोदी ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि वो और सुष्मिता सेन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। दरअसल ललित मोदी ने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किए हैं जिनमें पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि दोनों ने शादी कर ली है, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने साफ कर दिया कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। ललित मोदी ने ट्वीट में सुष्मिता सेन के लिए बेटर हाफ शब्द का इस्तेमाल किया, जिसके बाद फैंस को लगा कि दोनों की शादी हो गई है। फैंस उन्हें सोशल मीडिया पर बधाई देने लगे, लेकिन इसके तुरंत बाद ही उन्होंने क्लैरिफाई किया कि वो अभी डेट कर रहे हैं लेकिन जल्द ही शादी करेंगे। ललित मोदी ने लिखा, क्लैरिटी के लिए बता दूं, हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, अभी शादी नहीं की है, हाँ लेकिन जल्द ही ऐसा कर सकते हैं। इससे पहले ललित मोदी ने सुष्मिता सेन के साथ कुछ थ्रोबैक फोटोज शेयर कर हिंट दिया था कि दोनों ने शादी रचा ली है। ललित ने अपने ट्वीट में लिखा कि वो ग्लोबल टूर करने के बाद लंदन वापस आ गए हैं, परिवार के साथ वो मालदीव और सर्दनिया गए थे। ट्वीट में उन्होंने सुष्मिता सेन को अपना बेटर हाफ बताया। ललित मोदी ने सुष्मिता सेन संग कुछ फोटो शेयर की हैं, जिसमें दोनों ही रोमांटिक अंदाज में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा ललित मोदी ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल फोटो भी बदल दी है। इस फोटो में वो सुष्मिता सेन के साथ नजर आ रहे हैं, बैकग्राउंड में समंदर दिख रहा है। इंस्टाग्राम बायो में ललित मोदी ने लिखा है कि उन्होंने सुष्मिता सेन के साथ नए जीवन की शुरुआत की है। सुष्मिता सेन को ललित मोदी ने पार्टनर इन क्राइम बताया है, साथ ही उन्हें माय लव कहकर संबोधित किया है। बता दें कि ललित मोदी आईपीएल के पहले चेयरमैन हैं और करीब 3 साल तक वो आईपीएल कमिश्नर पद पर रहे थे। ललित मोदी करीब 5 साल तक बीसीसीआई के उपाध्यक्ष रहे। उन्होंने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष पद भी संभाला है। वहीं सुष्मिता सेन पिछले साल तक मॉडल और एक्टर रोमन शॉल को डेट कर रही थी। जब मीडिया में दोनों के ब्रेकअप की खबरें आई तो उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि वो दोनों अलग हो गए हैं।